वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग पोकेमोन गैलेक्सी एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन गेम है, ग्राफिक्स की बहुत अच्छी है, GBA की टाइप में देखे तो। हाँ, ये GBA गेम होने वाला है। तो देखो, ज़्यादा मैं बकने वाला तो हूँ नहीं, सिंपली मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक है, एक एम्यूलेटर का लिंक और दूसरा फाइल का लिंक, तो दोनों को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना, यहाँ पर तुम सर्च करना, इंटरनेट कौन कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर तुम सर्च करना Archiver शायद, ओके, ये वाला डाउनलोड कर लेना। हाँ, ये वाला फ्री है, इसमें प्ले स्टोर में फ्री है, डाउनलोड कर लेना। वैसे मेरे पास तो ये है, बट ये तुम्हें बाय करना पड़ेगा पैसे से। ओके, तुम फ्री वाला यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम ही है। ओके, तो तुम्हें अब Archiver में चले जाना है। यहाँ पर अब तुम्हें यहाँ पर अगर तुम क्रोम से डाउनलोड किया है दोनों फाइल्स को, तो ओबियसली वो डाउनलोड के फोल्डर में ही जाएगा, तो तुम्हें डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। अब तुम्हें यहाँ पर एम्यूलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, अब यहाँ पर देखो मेरा पोकेमोन गैलेक्सी एलिमेंट्स GB जिप फाइल आ चुका है, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है, तुम लोग भी डाउनलोड कर लो। अब तुम्हें चले जाना है अपने एम्यूलेटर में। यहाँ पर तुम एम्यूलेटर में डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, या फिर तुम्हारा जिस फाइल में है उस फाइल में जाओ। उसके बाद तुम्हें शो हो जाएगा पोकेमोन गैलेक्सी एलिमेंट्स GB जिप, और तो इसे एक सिंपल क्लिक से ओपन कर लो। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर सेटिंग में जाकर इसकी साउंड को जो है ज़ीरो कर देना पड़ेगा, वरना तो मेरी बात नहीं सुन पाओगे तुम लोग। चलो, तो ये देखो गेम जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा खेलने में। अगर तुम एक गेमर हो तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। एंड हाँ, ये गेम जो है अपने चैनल पर खेलेंगे हम लोग, पोकेमोन शॉर्ट्स चैनल पर ही खेलेंगे, तो तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो। वैसे तो इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, यहाँ पर तुम्हें कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छे खासे दिखे जाएंगे। मतलब यहाँ पर तुम्हें यूनोवा का जो कैरेक्टर होता है ना, ब्लैक एंड वाइट गेम का, ये देखो ये कैरेक्टर तुम्हें दिया जाता है। इसका नाम क्या रखूँ मैं, ओके, क्या रखूँ, हाँ लंदन, ठीक है, चलो शहर का नाम दे दिया। लेट्स सी द गेम इज द ओपन नाउ। दोस्तों ये देखो हमारा गेम जो यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो देख सकते हो ग्राफिक्स कितनी अच्छी खासी है। और अगर तुम्हें और भी अच्छी ग्राफिक्स चाहिए तो तुम्हें और एक चीज़ कर सकते हो तुम। ये देखो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना 3 डॉट्स, मतलब 3 लाइंस, इस पर क्लिक करना। एक बार क्लिक करके यहाँ पर तुम्हें सेटिंग के ऑप्शन में चले जाओ। यहाँ पर जाकर तुम वीडियो पर क्लिक करो, वीडियो पर क्लिक करके तुम GLSL शेडर में चले जाओ। एंड यहाँ पर HQ 4X कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफिक्स बहुत अच्छा मिल जाएगा तुम्हें। और तुम अगर पहली बार कर रहे हो ये, तो तुम लोग को मैं रिकमेंड करूँगा तुम पहले इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वरना वो नहीं होगा। वो शेडर को डाउनलोड कर लो पहले, वरना वो जो मैंने किया ग्राफिक्स इंक्रीज करने के लिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली सर्च करना है शेडर, अच्छा यहाँ पर नहीं दे रहा, तो तुम अच्छा तुम अगर 3 लाइंस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर तुम वीडियो में जाओ, तो तुम अगर पहली बार क्लिक करो तो यहाँ पर इंस्टॉल टाइप का कुछ आएगा, उस पर क्लिक कर देना, वो तुम्हें प्ले स्टोर में डायरेक्टली लेके चला जाएगा। ओके, वेल आज के वीडियो में देखिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय।